इस 3 दिसंबर 2019 को भोपाल गैस त्रासदी के 35 वर्ष हुए, अर्थात 3 दशक, 3.5 दशक हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 3.5 दशक लगभग होने के उपरांत भोपाल गैस पीड़ितों के जो रियल इश्यूज हैं, उनका मुआवजा, उनका इलाज, जो डिसेबल लोग हैं उनको पेंशन और तमाम चीज़ें, इस इशू पर काम नहीं हुआ है। और जो कांग्रेस सरकारें थीं वो अपना दामन बचाती रही थी क्योंकि उन्होंने वारेन एंडरसन को भोपाल से भगा दिया था, जो चेयरमैन था यूनियन कार्बाइड कंपनी का। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी का पुराने शहर से ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा और वो इन जनरल अप्रत्यक्ष रूप से ये मान कर बैठ गए, सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहा लेकिन वो निरंतर ये कहते बने रहे कि भोपाल गैस का मुद्दा तो मुसलमानों का मामला है। ये जो दो चीज़ें थीं, इन्होंने गैस पीड़ितों को एक तरह से बहुत छला है, उनके साथ बदमाशी की है। और अभी भी इस इलेक्शन में भी भोपाल गैस का दोनों पार्टियों की नज़र में कुछ मुद्दा नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में किस दिशा में है, तो प्रज्ञा ठाकुर को बताने की हालत में नहीं होगी। दिग्विजय सिंह बहुत अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने गैस इशू पर नहीं बोला। इसका मतलब बहुत साफ है, गैस का जो मुद्दा है उसको लोग अपने लिए बवाल जैसे समझते हैं और उससे बचना चाहिए। और बोलिए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ तो काम किए उन्होंने, लेकिन जो बीजेपी 15 साल रही, शिवराज सिंह चौहान, उनको लगभग अपने 26,000 मेमोरेंडम इंडिविजुअल दिए होंगे, मतलब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अलग अलग। तो 3 दिसंबर जब गैस की बरसी होती है और सारे लोग यूनियन कार्बाइड जाते थे पहले, और वहाँ एक स्टेच्यू है उस पर माला माला वगैरह चढ़ाते थे। 4 साल से लोग लगातार दिग्विजय सिंह के, शिवराज सिंह चौहान के राज में जो है वो उनके बंगले पर गए, उनके निवास पर गए, और लगभग टोटल मेमोरेंडम जो दिए लगभग 26,000 है। आज शासन को ये पता नहीं होगा कि 26,000 मेमोरेंडम कहाँ गए और उन पर क्या कार्रवाई शिवराज सिंह सरकार ने की। जाहिर है क्योंकि तो मन में एक कपट भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस पर काम नहीं किया। और कांग्रेस जो है वो इस बात से दुखी है कि सारा आक्रमण जो है विदेशी जो दूसरी पार्टियां हैं उनका कांग्रेस पे होता है, इसलिए कांग्रेस भी इस इशू पर बोलना नहीं चाहती। ठीक है।